श्री खाटू श्याम लखता तार सेवा समिति द्वारा निकाली गई बाबा खाटू श्याम की शोभा यात्रा। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा नगर में श्याम के दरबार की सेवा प्रारंभ की जा रही है। उसी कड़ी में आज बाबा का नगर आगमन हुआ। यात्रा मेलखेड़ा महेश पोरवाल के गोदाम से प्रारंभ होकर के बस स्टैंड शिव हनुमान मंदिर मेन रोड आलमगढ़ होते हुए पंडित विक्रम पुरोहित के यहाँ पर पहुँची। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जगह जगह सामाजिक संस्थाओं एवं व्यापारियों ने बाबा श्याम की आरती की गई एवं पुष्प वर्षा की गई। सुदामा कुटिया पर बाबा श्याम की महाआरती की। महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। श्यामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है और कहां से क्या हो रहा पूरा बताएं। श्री खाटू श्याम सेवा समिति शामगढ़ के तत्वाधान में यहां पर प्रति 1100 एकादशी को भगवान खाटू श्याम का कीर्तन प्रारंभ किया गया है। उसी के अंतर्गत खाटू श्याम भक्तों को परेशानी ना हो ये सुविधा के लिए बाबा का शीश यहां पर लाया गया है, जो खाटू श्याम से शुभ मुहूर्त में लेकर के आज शुभ मुहूर्त में सीता सातम के दिन मंदसौर के जो नरेश है खाटू श्याम बाबा वहाँ पर पूजन इत्यादि करके शुभ मुहूर्त में आज यहाँ पर समस्त खाटू भक्त मंडल के माध्यम से भगवान की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और शोभा यात्रा के माध्यम से बाबा खाटू श्याम अपने समस्त भक्तों को दर्शन देकर के उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। कहाँ स्थापित करेंगे बाबा खाटू श्याम का मंदिर? बहुत जल्द श्यामगढ़ में बनने जा रहा है, जो श्यामगढ़ के नरेश के नाम से होगा। तब तक बाबा अस्थायी रूप से सुदामा की कुटिया में निवास करेंगे और जब भी बाबा की इच्छा होगी भक्तों को दर्शन देने की, बाबा अपने भक्तों के घर उनके कार्यालय पर अवश्य पधारेंगे। आपका नाम? पंडित विक्रम पुरोहित, खाटू श्याम सेवा समिति, श्यामगढ़।